हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के या बोलो रात के 2:45 बज रहे हैं, मतलब 2:45 हुए हैं। और 5 बजे मैं उठी थी, मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट, क्योंकि मेरी फ्लाइट जल्दी है। तो अभी मैं और किरण ही जाएंगे क्योंकि कविता यहीं पे रहेगी श्यामा के पास। तो आगे का सफ़र मेरे को और किन्नू को अकेले ही जाना है। तो आधी रात को अभी श्यामा हमें छोड़ के आएगा, वो आने वाला है। और किरण को मैं उठा लेती हूँ, वो अभी तक उठी नहीं है। तो चलिए चलते हैं। और हमारी फ्लाइट डायरेक्ट नहीं है जैसे हम आए थे वैसे, वाया है, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है। पर क्या करें, डायरेक्ट हमें मिली ही नहीं, महंगी सस्ती कैसी भी नहीं मिली। किन्नू भी उठ गई और बाल बना दिए, नुआई नहीं है और अभी जा रहे हैं। आज चालू कौन करियो, नहीं नींद उठी कौन नहीं। अब हम जाएंगे और किन्नू फिर गाड़ी में सोएगी। रोटी को खेड़ी के जो रुको बोले जाके लोग सुते नहीं आस पास, देखें तब अब जोर बोले मैं उठ जी नहीं। रोटी क्यों सुबह सुबह इतने बना दी क्यों। अभी चलते हैं और 3:30 बज गई। अभी श्यामा हमें एयरपोर्ट छोड़ के गए हैं और हम दोनों जाएंगे अभी जयपुर वापस, अपने देश, अपने गांव, अपने घर। हम लोग ने बेंगलोर एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं और अभी लगेज जमा करवाएंगे। ये देखो लाइनें लगी हुई है हर काउंटर पे। लगेज के लिए लाइन में खड़ी है इन्होंने जमा कर दो है हमारी। खूब 16 काउंटर है, 16 के 16 पे लाइने लगी। नहीं, इंडिगो का 16 है। तो आगे हमारी हैंडबैग को चेक करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो बहुत टाइम लगने वाला है। वेटिंग एरिया भरे पड़े हैं लोग। अब बैठे बेटा, बेटा अभी हम वेटिंग एरिया में बैठे बैठे खा रहे हैं लड्डू। इतनी जोर से चिल्ला रहा तो तिल के लड्डू लेके आई थी मैं, नमकीन भी है तो मूंग दाल की नमकीन है वो खाएंगे और लड्डू खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है। अभी हम जल्दी उठ गए थे और अभी 6 बज रहे हैं, तो ये खा के फिर हम नीचे जाएंगे गेट नंबर 5 पे। दाल तो फर्स्ट सेकेंड जोन एयरपोर्ट के एयरपोर्ट के अंदर बैठे बैठे हमें मतलब सुबह हो गई है और आज यहाँ पे धूप नहीं निकली है, मौसम बहुत प्यारा है, ठंडी हवा चल रही है एकदम। और सबने स्वेटर पहन रखी है लेकिन किन्नू के स्वेटर मैंने लगेज में डाल दी, मुझे नहीं पता था ऐसे सुबह ठंड रहेगी। तो अभी इस बस में हम यहाँ तक आए हैं और अभी हम फ्लाइट के अंदर बैठेंगे। दो साइड से गेट खुले हुए हैं, बाल छोटा करवा लिया था। फ्लाइट में हम बैठ गए हैं और इस बार किन्नू ने मुझे विंडो सीट पे बिठाया है कि मम्मी पहली बार तो मैं बैठी थी, अब तू बैठ, ऐसे करके अपने आप ही समझदार है। Thank you.
अभी हम पहुंचे हैं हैदराबाद, और हैदराबाद से फिर हम आगे जाएंगे जयपुर। अच्छा तो कितने फास्ट है? तो क्या देखो आगे है? अभी हम हैदराबाद एयरपोर्ट पे हैं, और हमारी क्योंकि जयपुर के लिए फ़्लाइट है, कनेक्टिंग है, और इंडिगो की है, तो हम लोग जा रहे हैं ट्रांसफर्स अंदर अंदर ही। तो जहाँ पे हमें गेट नंबर 19 नंबर गेट पे जाना है, तो वहीं पे जाके हम फिर खाना खाएंगे। चूँकि खाना हमारे पास वही बिस्किट और नमकीन है, लेकिन वही खा लें। अभी हैदराबाद में एयरपोर्ट पे वेट करते हुए हम खाएंगे कुकी। तो हमें भूख लग रही है क्योंकि अभी 9:30 बज गए, हमारी फ्लाइट 8:30 बजे हैदराबाद पहुंची थी। 1 घंटा हमें ट्रांसफर में ऐसे आते आते सब टाइम लग गया। देखिए अभी 11 बजे का टाइम है, और हम नेक्स्ट फ्लाइट के लिए एंटर कर रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं। 11:30 की फ्लाइट है, तो यहाँ पे जयपुर के जैसे ही ले जाते हैं ऊपर के ऊपर। ये आए हैं हमारी मतलब टिकट के साथ में जमा ने करवाए थे। जयपुर हम पहुंच चुके हैं और लगेज ले रहे हैं अभी, क्योंकि अभी हमें काफ़ी लेट हो रहा है, काफ़ी लेट हो रहा है। काफ़ी लगेज अभी तक आया नहीं है, क्योंकि मम्मी को और हम भाग भाग के सबसे आगे आ रहे हैं कि हम जल्दी से ले लें, लेकिन वो तो लगेज है, आएगा तभी आएगा। मेरे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आया था, 1/2 घंटे से मैं ट्राई कर रही हूँ, कोई मतलब रेपिडो बाइक वगैरह कुछ नहीं मिला, और रेट वैसे ही काफ़ी हाई बोल रहे थे, तो काफ़ी लेट हो गई मैं। तो दोस्तों अभी शाम हो गई है और हम दोपहर को घर पहुंचे थे, रात अभी रात हो गई क्योंकि 9:00 बज, तो मैं तो आते ही ऑफिस चली गई, और किन्नू खाना खाए और सो गई। उसके बाद अभी उठी है किन्नू 8:00 बजे, और मैं सुबह से सोई नहीं हूँ, देख लो 2:30 बजे मैं उठी थी सुबह कंटिन्यू, क्योंकि वहाँ के जो कपड़े वगैरह धोने हैं ये वो मैं कर ही रही हूँ अभी तक, और अभी तक मशीन चल रही है, 2 बार चला ली, बाकी के बच्चे मैं वो भी लास्ट बार चला रही हूँ, बाकी के कल धोऊंगी क्योंकि मेरे को भी भयंकर नींद आ रही है। तो किन्नू से पूछते हैं पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसका। है एरोप्लेन में गंदा रहा। क्या गंदा रहा? थक गई बैठ के। बैठ के थक गई बोलो, बाकी ऊपर से वो बादल देख रही थी वो अच्छे थे, तो एक्सपीरियंस अच्छा बोलते हैं इसको। बैठना तो गाड़ी में बैठना पड़ता है, कहीं भी चलो बैठना ही पड़ता है, बाकी ऑल ओवर मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, अभी सोएंगे, खूब नींद लेंगे।